देखिए लाफ्टर क्वीन भारती जो है वो हर किसी को ढेर सारी खुशियां देती हैं, मुस्कुराने की वजह देती हैं, लेकिन कल तो उनकी मुस्कुराहट पर बलिहारी जाने का मन कर रहा था। वो क्या है ना कि उनके बेटे यानी कि लक्ष्य जिन्हें गोला भी कहा जाता है, उनका जन्मदिन था। जाहिर सी बात है कि नन्हे से लक्ष्य के फर्स्ट बर्थडे पार्टी पर उनके ढेर सारे दोस्त भी पहुंचे। कैसे पता चलता आप लोगों को कि इतना अंदर घुस के किया गली गली में, यहाँ भी कैसे पता चल गया? पूजा मत बता पहले, बोला नहीं बोला 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 बोलू बोलू जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण करते बोले, जय श्री कृष्ण बोलू बर्थडे। सारे मामू जी 1000 रुपए लेंगे, कितने लोग हैं? अगली बार कम मिलेगी, अगली बार भाई आएगा। दूसरा बोला आएगी भाई, आएगी बोलो, आएगी। बर्थडे का एक दिन ऐसा होता है जिसे सेलिब्रेट करने का अपना अलग ही मजा होता है, लेकिन अगर जन्मदिन बच्चे का हो तो छोटे बड़ों का दिल भी बच्चा बन जाता है। हम बात कर रहे हैं भारती और हर्ष के बेटे लक्ष्य के पहले जन्मदिन की पार्टी की, जहां शहनाज गिल, करणवीर बोरा के साथ उनकी वाइफ टीजे और उनके बच्चे पुनीत पाठक और रिसेंटली कोविड से रिकवर हुई माही विज ने भी पार्टी में अपनी दस्तक दी। बच्चों के साथ हम खुद बच्चे देख नहीं रहे हो, बैक प्रेजेंट्स हम लेकर जा रहे हैं, बच्चे के पास नहीं है बैक प्रेजेंट्स, वी वांट बैक प्रेजेंट्स। एब्सोल्युटली, तो हमेशा एकदम फुल ऑन रॉकिंग पार्टी होती है। अभी पहली बार बच्चों वाली पार्टी हुई है, तो वो भी शॉक में है कि यार ये पार्टी ऐसी कैसी होती है बच्चों की, बच्चों की ऐसी होती है। एडल्ट पार्टी करनी है तो थोड़ी साइड में रखो चीजें। आई प्लेड ऑन द ट्रैम्पोलिन एंड आई वेंट अपस्टेयर्स ऑन द स्लाइड। और नैन, आपने क्या किया पार्टी में? हिंदी में बात करो, चलो। आई वेंट ऑन द स्लाइड एंड जंप्ड ऑन द ट्रैम्पोलिन। यस। केक खाया कि नहीं आपने? नो। केक नहीं खाया? मिरिंडा पिया इन्होंने दो दो तीन तीन कप। अब सब बंद, क्योंकि ये सब खाने और पीने के बाद जाना पड़ता है डेंटिस्ट। बर्थडे बॉय लक्ष्य को प्यार से गोला कहकर बुलाया जाता है, और अपने क्यूट से गोले को लाड प्यार करने के लिए शहनाज गिल कैसे नहीं पहुंचती। आखिर दोनों की बॉन्डिंग जो कमाल की बन गई है। इस बर्थडे पार्टी में हर कोई बच्चों के साथ बच्चा बन गया। मस्ती का मीटर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धमाल मस्ती के बाद वक्त आया केक कट करने का, जहां गोला ने अपने पेरेंट के साथ मिलकर अपने बर्थडे का पहला केक कट किया। भारती और हर्ष ने बस अपने खास मेहमानों को बुलाया था, क्योंकि बच्चों की पार्टी थी, ऐसे में सभी को बुलाना मुनासिब नहीं समझा। कुछ सारे बच्चे थे और जितने भी मेरे फ्रेंड्स ये बीबी का न्यूज़ देख रहे हो, तो मैं बता दूं, अगर मैंने उनको नहीं बुलाया तो वजह एक ही थी, क्योंकि एक तो हम बच्चों वाली जगह पे कर रहे थे और सबके छोटे छोटे बच्चे ही आ रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये पार्टी गोले की फर्स्ट पार्टी थी, अब 5 साल बाद होगी, क्योंकि भैया पार्टी करनी बच्चों की आसान है? कोई कोई पैर में घुस रहा, कोई पीछे से फ्रॉक खींच रहा, तंग ही आ गई। लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत यार। मतलब इस बार था कि खाने में क्या रखे, बच्चे क्या खाते हैं, कौन से शेक्स पीते हैं, क्या चीज़ें, सब सब जो भी किया ना, मैं खुद बोलूँ टीवी पे कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी नीज ने सब किया है। ये जो बेचारी पीले वाली, उसने सब किया है। मैं खुद गेस्ट की तरह तैयार होके आई हूँ, और मेरे घर वाले देखे, एक कैमरा घुमाइए जरा इधर, ये इनका बनता है रिटर्न गिफ्ट ले जाना मेरे अंकल का, देखिए ये देखिए, ये इनके घर छोटा बच्चा, ये पंजाब से आए, और ये बुढ़ा बच्चा देखो गिफ्ट लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहे हैं आप? ये हम अपने छोटे बच्चे के लिए लेके जा रहे हैं, ये अपनी उसके लिए, नाती के लिए लेके जा रहे हैं। ले जाइए, कोई कैमरामैन नहीं लेके जाए। ये हाथी की पार्टी नहीं थी, बिल्लियों की पार्टी नहीं थी भैया। गोला मैंने पहली बार देखा इतना चिल करते हुए, कभी बॉल में घुस रहा है, कभी स्लाइड में जा रहा है, बहुत बहुत मजा आया। उसको अभी थोड़ी सी समझ आ रही है, लेकिन इतनी नहीं आई कि कौन आया कौन नहीं। अब तो भाई 5 साल बाद ही आप लोग भी आना कैमरे लेके, 5 साल बाद भाई पसीने निकल गए। मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट ईयर ही बेबी कर लूँगी, अभी मैं सोच रही 2 साल का गैप दूँ।
थैंक यू सो मच एबीपी न्यूज, आप आए गोले को आशीर्वाद देने, आपका प्यार और ब्लेसिंग चाहिए। भारती जहां होती हैं वहां हंसी का पिटारा ना खुले, ऐसा भला कैसे हो सकता है। और जब हमारे पापराजी सामने होते हैं तो मानो भारती के सुर से बस ठहाकों की गूंज निकलती है। वैसे भी आजकल हमारे पापराजी सुर्खियों में छाए हुए हैं, तो आपको कुछ ऐसी झलक दिखाते हैं जहां भारती और पापराजी की बातें सुनकर आप भी लोटपोट हो जाएंगे। इतना अंदर घुसके किया आप गली गली में, यहाँ भी कैसे पता चल गया? पूजा मत बता पहले। बोला। अगली बार कब मिलोगे? अगली बार भैया बताइए। दूसरा बोला। आएगी। तो ये थी झलक लक्ष्य के बर्थडे पार्टी की, जहाँ खूब सारी मस्तियाँ हुई। लक्ष्य के बर्थडे पर जब सभी बधाइयाँ दे रहे हो तो भला SBS ओरिजिनल्स कैसे पीछे रहता। हमारी ओर से भी लक्ष्य आपको जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। पैर कुछ उठे निकल जाइए। बाय भारती जी। बाय बाय। ABP न्यूज आपको रखे आगे।